आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले देश के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले की शुरुआत आज मकर संक्रांति के स्नान पर्व के साथ हो गई है। प्रशासन की माने तो सूर्य उपासना के सबसे बड़े पर्व मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु संगम की पावन धारा में डुबकी लगा चुके हैं। मेले के लिए संगम की रेती पर अलग अलग से तंबुओं का शहर बसाया गया है। वहीं कोरोना को देखते हुए मेले में इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति का स्नान पर्व इस बार दो दिनों का है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप, दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी के बाद भी प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई माघ मेले के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए उतावला है। श्रद्धालुओं में आस्था की ऐसी बयार बह रही है जिससे लोग पुण्यकाल के महत्व और मुहूर्त को भी भूलकर सूर्य की उपासना कर रहे हैं। मान्यताओं के मुताबिक प्रयाग के माघ मेले में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवता भी अदृश्य रूप में यहां पर आते हैं। इसीलिए देश के कोने कोने से लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन धारा में डुबकी लगाकर दान उपासना आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करने में लगे रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर तिल आदि का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि इस बार मकर संक्रांति दो दिनों की है और ग्रहों एवं नक्षत्रों का खास संयोग भी बन रहा है। लोग सुबह से ही संगम के कई घाटों में स्नान कर पूजा अर्चना और दान आदि कर रहे हैं। आज के दिन काली वस्तुओं और खिचड़ी के दान का विशेष महत्व है। आज से ही प्रयागराज के संगम तट पर एक महीने तक लगने वाले माघ मेले की शुरुआत भी हो गई है। हर हर महादेव और घंटों की गूंज के बीच हर कोई एक डुबकी लगाकर पुण्य कमाने को बेताब नजर आ रहा है। जनपद प्रयागराज से द इंडियन ओपिनियन के लिए मनीष वर्मा की रिपोर्ट।